है मीडिया के द्वारा खबर चलाई गई है जो है ये जो है बाढ़ की स्थिति में ऐसा बन गया है कि देखिए कि बच्चों को जो है अपने इस पर जो है बैठा करके कैसे जो है छोटे बच्चों को इतने जो है पानी है, इतनी धार है पानी का, और उसमें कैसे बच्चों को बैठा कर जो है अपने इस पर लेकर जा रहे हैं। देखिए ऐसे आवागमन चालू करें, इन लोगों को कोई उम्मीद किसी से नहीं। तो क्या इसमें आप क्या मदद कर रहे हैं? हमको जो होगा हम यहाँ किया है कि भाई चचरी का पुल बनाइए, जो खर्च होगा हम दे देंगे। चलिए थैंक यू। आप जो है हमेशा क्षेत्र में जो है देख रहे हैं, हम लोग मीडिया में आप लगातार बन रहे हैं, तो मतलब क्या उम्मीद है आप जो है? बहुत हम लोग सुन रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा आप जो है बिस्फी लोग सुनने को मिल रहा है। हम भी यहीं के बेटा हैं, बिस्फी के बेटा हैं। कोई बाहर से आके यहाँ जम सकता है? हम कहे नहीं रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर लड़ना होगा तो किसी से डरता तो कोई नहीं है। हम तो आते हैं आदमी को देखने के लिए, हम आते हैं जनता को देखने के लिए, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जो मन के लाचार हैं, जो परेशान हाल हैं, हम आते हैं उसको देखने के लिए। अगर कोई आवाज़ उठाने वाला ना होगा तो ये सरकार ऐसी है गूंगी बहरी कि शांत से एकदम सो जाएगी। जनता से थोड़े कोई मतलब है, आवाम से कोई लेना देना नहीं है, इस सरकार को, विधायक को, MP को, किसी को कोई लेना देना नहीं है यहाँ के। इसलिए हम लोग को मजबूर होकर नौजवान को आगे आना पड़ता है, जो लोगों को कम से कम रास्ता दिखाया जाए। कुछ नौजवान का अरे हमको देख के 10 नौजवान आगे बढ़ेगा, देखेगा, 10 जगह जाके बोलेगा, 10 जगह जाके जो है से अपनी बात रखेगा। हम जैसे बोल रहे हैं वो भी बोलेगा कि नहीं, यहाँ रास्ता बनना चाहिए, यहाँ नाव होना चाहिए, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। अभी हम यहाँ 10 दिन 15 दिन से पूरे बिस्फी का दौरा किए हैं, एक एक जगह गए हैं, बरदाहा, बलहा, जानीपुर, जगमन, मनीराबाद, लगभग हर जगह गए। विधायक जी दिखते नहीं है कहीं कुछ? विधायक जी को क्या लेना देना? विधायक जी को वोट लेना है ना, विधायक जी को कोई लेना देना नहीं है, वोट लेना है, है ना। बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है, अपने मर्जी के मुताबिक सब जीता है। और हम लोगों को है कि हम लोग आवाम की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और करते रहेंगे मरते। अभी हम लोग इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? इस वक्त आप जो है छछुआ टोला पुरवारी पे खड़े हुए, ये धजवा से कनेक्ट है रोड, और ये रोड आपको बिस्फी से जो है स्टेट आपको धजवा से जाएगा आपको भटरा घाट, स्यासो, असराहा, जलवारा, ये खिरमा अटैच है, ये मेन रोड है। ये सड़क का स्थिति ऐसा है पहले से है ये का? ये पहले से ही पिछले साल जो है सैलाब में टूटा था, जिसको जो है विधायक जी ने इसको रिपेयरिंग करवाए थे, और उस रिपेयरिंग के बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। ये गारंटी पे ये चल रहा था कि 5 साल का जो है रोड गारंटी है, लेकिन रोड को देखने भी नहीं कोई आया, कोई देखने नहीं आया, नहीं आया कोई देखने के लिए, कोई नेता नहीं आया। पिछले 6 दिनों से हम लोग जो है डूब रहे हैं। कोई जो है यहाँ मुआयना करने नहीं, के कोई मुआयना करने के लिए कोई भी नहीं आया। आप लोग आवागमन उस तरफ से कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम अगर होता है, बच्चे को बीमार होता है या कोई बीमार हो गया है, तो ये रोड उतनी दूरी से जो है से ले करके खाल पे करके लेके जाना पड़ रहा है पिछले छह दिनों से बाढ़ की स्थिति है जी। और जो है कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया, काफी मुश्किलें में, बहुत मुश्किल आता है, यहाँ तक के खाने पीने तक का हम लोग को परेशानी है। गांव वाले लोग इधर नहीं आ सकते, और जो गांव के मेन रोड पे जो है वो बाहर नहीं जा सकते, जो पिछले उस तरफ भी टूटा हुआ है, और हम लोग खड़े भी हैं, जहाँ पे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, ये भी भस के जा सकता है। हम जी यहाँ पे खड़े हैं जी। क्या नाम है आपका? ये शेख मोहम्मद इस्लाम। ये प्रखंड कौन सा है? ये बिस्फी ब्लॉक है, और ये स्यासो पंचायत में खड़े हुए अभी आप। दवा लाने जा रहे हैं? किसका दवा लाने? बच्चे का। पानी में हेलकर कहाँ से आ रहे हैं? ये सड़क टूट गया, इसके कारण आप लोग घूम कर के आ रहे हैं, दवा लाने जा रहे हैं, इसके आवाज कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। चलिए, छछुआ गांव निवासी है ना? ठीक है, थैंक यू। गांव में भाई ना इनको भी ले लीजिएगा फोन। हेलो, ये बात होगी। हाँ, इनको हम पहचान गए। हाँ, पहचान गए। ले लीजिए इनको। हमारा जो है ये बन गया है।